दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं गाड़ी यूनिकॉर्न बाइक पिकअप नहीं लेती, 30-40 की स्पीड में सिर्फ चलती है, उससे ज़्यादा रेस ले तो रेस नहीं चलती है, पिकअप भी नहीं लेती है, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी क्लच प्लेट वगैरह भी सब सही है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। कार्बोरेटर का ऊपर का हिस्सा खोलते हैं, खोलेंगे इसका जो बैलून रहता है, बैलून स्लाइड वो निकालेंगे, खोल के आपको दिखाते हैं। ये दो नट खोल लेंगे, देखिए ये देख सकते हैं आप, इसकी फ्लूइड पिस्टन पूरा खराब हो चुका है, ये स्लाइड खराब हो चुकी है, पूरा घस गया है। कभी कभी क्या होता है, ये जो बैलून रहती है ये भी कट जाती है, जिससे गाड़ी पिकअप नहीं ले पाती है, ज़्यादा रेस नहीं ले पाती है, 30-40 की स्पीड ही चलती है, 40 की स्पीड भी नहीं जा पाती है, सिर्फ 20-30 की स्पीड में चल पाती है। ये देखिए, अब इसको हम नया डालेंगे, नया दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये हम नया ले गए हैं, देख इसमें नई पिन नहीं आती है, इसमें पुरानी ही पिन लगानी पड़ती है, जो अपनी ये पुरानी रहती है पिन, इसकी पिन निकाल के इसमें लगा देनी है, जो ओरिजिनल पार्ट रहता है ये उसमें नहीं आती है, लोकल में आती है, लोकल में साथ में आती है। और ये पार्ट कभी भी डालें, ओरिजिनल डालें, जेन्युइन डालें, होंडा का डालें। देख सकते, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कार्बोरेटर चेक करें, उसका बैलून चेक करें, और ये बैलून स्लाइड देखें, और ये प्रॉब्लम यूनिकॉर्न में, शाइन में, CBZ एक्सट्रीम में, CBZ में, पल्सर में, जिसमें भी ये बैलून स्लाइड रहती है, जिसमें बड़ा कार्बोरेटर रहता है, ऐसा कार्बोरेटर, उसमें ज़्यादा दिक्कत पाई जाती है, स्लाइड में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बैलून में प्रॉब्लम हो सकती है, बैलून कट जाता है,